हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशलाइज ट्यूटोरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड के ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड करता क्या है, नोटपैड में कैसे यूज करते हैं, नोटपैड का एवोल्यूशन कब हुआ और नोटपैड के बारे में कि ये नोटपैड ये हमारा सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या एप्लीकेशन प्री विंडोज में डाउनलोड होके हमें मिलता है। ये एक राइटिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट टूल्स है जो कि किसी भी टेक्स्ट को नोट करने के काम आता है। नोटपैड में हम चूँकि पिछले मेन्यू में ये देख चुके हैं, नोटपैड में न्यू क्या होता है, ओपन, सेव एंड सेवेज, पे सेटअप, प्रिंट एंड एडिट। आज हम बात करने आते हैं कि एडिट में। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू। फॉर्मेट, एडिट, फाइल। कोई पूछता है कि फाइल मेन्यू क्या होता है, एडिट मेन्यू क्या होता है, तो इसकी मेन्यू के अंदर आप देख के बता सकते हो। तो एडिट का मतलब होता है कि उसमें जो भी चीज़ें होती है वो एडिटिंग से रिलेटेड होती है, मतलब आप एडिटिंग का काम करोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या करोगे, आप एडिटिंग करोगे, वो एडिटिंग का काम किस मेन्यू में आता है, एडिट में। फॉर्मेट मेन्यू में फॉर्मेटिंग का काम आता है, उसमें थोड़ा उसके फॉर्मेट में चेंज करना, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, फॉर्मेट में। फाइल के अंदर फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को सेव करना, ठीक है, फाइल को दूसरे नाम से सेव करना, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को प्रिंट पे जो हमने फाइल बनाई है उसको सेटअप करना, फाइल इससे या एप्लीकेशन से बाहर निकलना। व्यू का मतलब केवल देखने से और उसको हाइड अन हाइड करने से होता है। हेल्प का मतलब आपको कोई चीज़ हेल्प लेनी हो, ये क्या है, उसके लिए आपका नोटपैड यूज होता है, हेल्प ऑप्शन यूज होता है। तो अभी मैं चूंकि बता चुका हूँ कि ये फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव। राइट में देखोगे तो आपका शॉर्टकट कीबोर्ड के थ्रू होता है कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल पी। ये आपका बेसिकली शॉर्टकट कीज होता है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इन चीज़ों में एक्सेस कर सकते हैं। एडिट मेन्यू में आप ध्यान से देखेंगे तो केवल पेस्ट यहाँ पे हाईलाइट है, रिप्लेस हाईलाइट है, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। अब ये पेस्ट हाईलाइट इसलिए है क्योंकि मैंने अब ये कंटेंट को कॉपी किया है तो वो रेडी है यहाँ पेस्ट करने के लिए। चूंकि मैं यहाँ पे पायलटी टाइप करके लिखा हुआ हूँ तो उस चीज़ों को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आगे मुझे बताने में आसानी रहे। तो मैंने आप यहाँ पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट कर दिया तो आपका ये सारा कंटेंट हमारे यहाँ पे आ गया। एक बार पेस्ट करने के बाद उस चीज़ को चाहो आप जितनी बार पेस्ट कर लो, अगर आपने कॉपी किया हुआ है तो, जैसे कि मैंने मान के चलो ये थ्री लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए। अब देखो जब हमने सेलेक्ट किया ना, सेलेक्ट करने पर ये सारे आइटम लगभग सारे ऑप्शन खुल गए, गो टू को छोड़ गए। ठीक है, गो टू को क्यों, क्योंकि अभी उतने सारे हमारे यहाँ पे लाइन नहीं है कि हम उन जगहों पर जाए, भी हमारे विजिबल है, इसलिए गो टू नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट, हमने आप क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी कंट्रोल सी से भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे डेस्कटॉप क्लिक करके भी। उसके बाद जहाँ पे आपको इसको रखना है एंटर करके आप वहाँ पर जाइए और जाके यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर। तो जितना हमने सेलेक्ट किया था केवल उतनी ही चीज़ यहाँ पे पेस्ट हुई है। ठीक है, तो एक बार पेस्ट होने के बाद आप चाहो तो फिर आपको यहाँ पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके फिर से पेस्ट कर लो, फिर पेस्ट ऐसे, फिर पेस्ट कर लो ऐसे। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल भी किया, कंट्रोल भी किया। अब ये हमारी सारी चीज़ें, बल्कि एक बार कॉपी होने के बाद उसको चाहे आप मल्टीपल मिलियन टाइम आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात कि आपको कॉपी और पेस्ट के बारे में पता चला। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है, अब भी हमने जो रिसेंट एक्टिविटीज़ की है उस रिसेंट एक्टिविटीज़ गलती हो गई या फिर हमें हमारे उसकी प्रीवियस पोजीशन पे जाना हो, जो प्रीवियस स्थिति थी है, मतलब अभी हमने जो पेस्ट किया था वो पेस्ट हम चाहते हैं कि रिमूव हो जाए, तो अंडू कर दो। देखो हमने जो भी पेस्ट किया था ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ से टैप हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से करोगे तो फिर से हमारा चूंकि जो पहले का था उसको, मतलब हम कह सकते हो कि रिवर्स बैक रिवर्स उसी पोजीशन पे हम जाते रहते हैं अंडू से। ठीक है, तो ये हमारा
बेसिकली अंडू कंट्रोल जेड, ये केवल यहाँ पे नोटपैड में वन स्टेप तक ही लेता है, लेकिन अगर आप यही पेंट में करते हैं या फिर यही आप एमएस वर्ड में करते हैं तो वहाँ पे कई स्टेप तक लेता है, ठीक है। वहाँ पे आपको अंडू के जगह रीडू भी मिलता है, जैसे कंट्रोल जेड है तो वहाँ पे आपको रीडू भी मिलेगा, ठीक है। तो रीडू से आप अंडू अलग स्टेप में जाता है, रीडू फॉरवर्ड स्टेप में जाता है, रिवर्स फॉरवर्ड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ये कॉपी और पेस्ट और अंडू, अंडू कॉपी पेस्ट। अब हम कट के बारे में बात करते हैं। मान के चलो कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये ऑप्शन तब ज़्यादा यूज होता है जब आप पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें ऑप्शन में आपके हाईलाइट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हाईलाइट नहीं होंगे, कुछ ही चीज़ हाईलाइटेड है, बट आपको पूरे हाईलाइट इसके कट करने के लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन कट, कट का मतलब वो चीज़ें आपकी यहाँ से हट गई, अब आप उसको किसी दूसरी जगह आप रखना चाहते हो तो उस कट की हुई जगह को, तो आप यहाँ पे आके उसको आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें आ गई, एक बार कट करने के बाद आप उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं अंडू कर रहा हूँ, ओके, आई थिंक क्लियर। कट कॉपी और पेस्ट, अब होता है कट कॉपी और पेस्ट में क्या अंतर होता है या क्या समानता होती है। कट करने से क्या होता है कि पर्टिकुलर, मान के चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया है और कट किया, तो कट करने से क्या होता है कि ये जितना ने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से हट जाता है, और फिर उसी चीज को हम जहाँ पे चाहें वहाँ पे लाके और फिर से हम पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा होता है कट पेस्ट। एक बार कट करने के बाद आप चाहे जितनी बार पेस्ट कर दो वो आपका पेस्ट होगा, ठीक है। बट जहां से आपने कट किया है वहां से वो रिमूव हो जाएगा, ओके, दैट्स क्लियर। अब मैं अंडू कर रहा हूं, एक बार और फिर हमारा वापस आ गया। अब हम दिखा रहे हैं कॉपी और पेस्ट में क्या अंतर है। कॉपी पेस्ट में अंतर ये होता है कि कॉपी में वो जगह रहती है जहाँ पे हमने उसको सेलेक्ट करके कॉपी किया है, और हम पेस्ट जहाँ करेंगे वहाँ पे भी उसकी एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी, कंट्रोल भी, ठीक है। मतलब को समझ में आ गया, कट का मतलब ये होता है कि वो अपने उस जगह से वो हट जाती है और उसकी जो डुप्लीकेट तैयार होती है वो हम जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट हो जाती है। कॉपी में उसकी पहली वाली जगह में भी वैसे रहता है, बस वहाँ से वो कॉपी कर लेता है और पेस्ट हम जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट तब होता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज दैट हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक, ये DEL आपके कीबोर्ड में ही बना होगा, ठीक है। आप वहाँ से भी दबाओगे तभी भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी क्लिक करोगे तभी भी डिलीट, मतलब ये आपका डिलीट हो गया। अब हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ये भी आपका यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। ऐसे आप इन चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं जब ये सिलेक्ट हो गया। अब इसमें है फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस। हमको मान के चलो कि हमें ये देखना है कि ईच, फॉर एग्जाम्पल IS हमने सिलेक्ट कर लिया, फाइंड पे क्लिक किया, अब हम यहाँ पर टाइप की IS इज, अब ये अप एंड डाउन डायरेक्शन है कि यहाँ पे आपका है तो आपको नीचे ढूंढना है कि ऊपर ढूंढना है, तो हमें डाउन ही आना है, ठीक है। मैच केस पूरी तरह से मैच करे IS, ठीक है। अब हमने फाइंड किया, अब बोल रहा है कि कहीं IS है ही नहीं है इसके अलावा, ठीक है, लेट्स चेक आउट। अब हम मैच केस हटा देते हैं, अभी भी IS नहीं, मतलब केवल जो इज है हमारा, केवल यहाँ पे सिंगल इज है, इसके अलावा हमारे इसमें IS है ही नहीं है। अब हम करते हैं चलो एक और ट्राई, THE दा, दा को लेते हैं, मैच केस दा मिला, फिर नेक्स्ट दा मिला, फिर नेक्स्ट दा, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो जितना आपको इसमें आपके टेक्स्ट फाइल में होगा THE दा वहाँ पे वो दिखाता जाएगा, ठीक है, अपने आप। ये होता है फाइंड करना, किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पर्टिकुलर लेटर को फाइंड करना चाहते हैं तो तब तक फाइंड करता रहता है जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं चला जाता।
अब यहाँ बोला है कैनट फाइंड, इसके ऊपर हम नहीं ढूंढ सकते। अब ये डायरेक्शन चूंकि डाउन में अप करोगे तो ऊपर ढूंढ हो जाएगा, क्लियर। ओके, अब इसको कैंसिल करो। अब हम फिर से ऊपर आते हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, वही था जो हमने अभी नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे थे। कीबोर्ड से भी F3 दबा सकते हैं, वही चीज आएगा। रिप्लेस, रिप्लेस में हम चाहते हैं जहां जहां द लिखा हुआ है वहां वहां लिख के आ जाए। स्पेशलाइज ट्यूटोरियल, ठीक है, जहां जहां द लिखा है वहां वहां क्या लिख के आ जाए, स्पेशलाइज ट्यूटोरियल। तो इसमें देखो क्या है कि फाइंड नेक्स्ट मतलब आप पहले तो यहां फाइंड करें कि यहां द है, अगर आपको यहां पे केवल चेंज करना है तो रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आ गया यहाँ पे द, अगर यहाँ पे भी द को आपको चेंज करना है तो रिप्लेस करिए, अगर नहीं चेंज करना तो फाइंड नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है देन इसको रिप्लेस कर दीजिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फाइंड नेक्स्ट के अगर होता है कि जहाँ जहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो आपको फाइंड करके द दिखाएगा, लेकिन आप रिप्लेस जहाँ करेंगे वहीं पे केवल रिप्लेस करेगा, ओके। लेकिन अगर आपने रिप्लेस ऑल कर दिया तो जितने भी द होंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो द के जगह स्पेशलाइज ट्यूटोरियल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि फाइंड नेक्स्ट हम आगे के फाइंड क्या वर्ड हम फाइंड कर रहे हैं उन चीजों को ढूंढने के लिए फाइंड नेक्स्ट करते हैं। इसको आप F3 करके भी यूज कर सकते हो और फाइंड नेक्स्ट भी। रिप्लेस सिंगल सिंगल रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पर रिप्लेस करना है सिंगल रिप्लेस हो रहा है, ना कि पूरा डॉक्यूमेंट या पूरी फाइल। अगर हमें पूरी रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस ऑल करोगे सब रिप्लेस हो गए, जहाँ जहाँ द था वहाँ वहाँ क्या हो गया, स्पेशलाइज ट्यूटोरियल। अब हम इसको क्या करते हैं, एकदम अपोजिट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एक्स काट दिया, तो हमें यहाँ पे स्पेशलाइज ट्यूटोरियल कर दिया और यहाँ पे कर दिया THE था रिप्लेस ऑल। अब जहाँ जहाँ स्पेशलाइज ट्यूटोरियल था सब जगह क्या हो गया, THE था, ठीक है। मतलब हमने फिर से उसको उसी रिवर्स में कर दिया। तो कहने का मतलब आपको कि फाइंड क्या फाइंड करना है, उस जगह पे क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पर रिप्लेस वर्ड लिखोगे, जिस चीज़ों को रिप्लेस करना है उसको ऊपर लिखोगे, जिन चीज को रिप्लेस करना है उसको नीचे लिखोगे, फाइंड नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप ढूंढोगे, देन रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो वन बाय वन रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरा एक साथ रिप्लेस होगा। ओके, दैट कैंसिल। तो ये हमारा था फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल। आपको सेलेक्ट ऐसे नहीं करना है, पूरा करना है तो कुछ ना करो, बस यहाँ पे क्लिक रखो एंड देन सेलेक्ट ऑल। ओके, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसका क्या करना चाहते हो, आप डिलीट करना चाहते हो, कट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, आपका ये सारे ऑप्शन खुल के आ गए हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। डेट एंड टाइम F5 दबा दोगे तभी भी आ जाएगा, जैसे F5 हमने कीबोर्ड से दबा, F5 हमने दबाना है तो F5 से क्या हो जाएगा, हमारा डेट एंड टाइम आ जाएगा जहाँ पे हमारा रहेगा, मान के चलिए हमारे यहाँ पे है कर्सर, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करने पे वहाँ पे जो करंट सिस्टम का डेट होगा वही आएगा। ओके, अगर आपका करंट सिस्टम का डेटा गलत होगा तो यहाँ गलत आएगा, इसलिए आप अपने जो राइट साइड में आपके स्क्रीन पे होता है वहाँ पे आप अपने डेट एंड टाइम को चेक कर लीजिए, वही डेट एंड टाइम यहाँ पे दिखाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग, ये हमको लगता है क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप एंड फॉन्ट दो चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें तब काम करेंगी जब आप ध्यान से देखो इसको। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, अब भी हम इसको इस विंडो को जितना बड़ा कर रहे हैं टेक्स्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, ध्यान दो कर रहे हैं। इसका मतलब अभी जो हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं या टाइप हो रहा है टेक्स्ट या फिर अभी जो सेट है या किस पे है, वर्ड रैप पे है। अगर हम वर्ड रैप हटा दिए यहाँ पर टिक हटा तो ये ऑटोमेटिकली एक इसका डायमेंशन होता है पूरी लास्ट तक जाएगा, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करेगा। मतलब वो आपका पेज में ना सेट होके वो अपनी लाइन में ही सेट होगा कि उसकी जो वन लाइन की जितनी भी फुल स्ट्रेंथ होती है वहाँ तक जाएगा, देन वो सेकेंड लाइन पे टर्मिनेट होगा, देन वो फिर अपने लास्ट तक जाएगा बीन और थर्ड लाइन पे टर्मिनेट होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये आपका सॉफ्ट
आपका जो ये भी नोटपैड टेक्स्ट है ये अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करता है अपने लाइन का और अपने विड्थ का, ठीक है। तो अगर आपको वैसे देखने में सुविधा होगी, क्योंकि आपको क्या करना होगा कि बार बार आपको स्क्रॉलिंग करनी होगी, ठीक है। इस वजह से हमें क्या करना होता है कि इसको हम बेसिकली वर्ड रैप करते हैं, वो हमारे हिसाब से वो पूरा सेट कर देता है, हमारा विंडो जितना बड़ा रहता है उस हिसाब से ये हमें दिखाता रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट करेंटली कौन सा फॉन्ट चल रहा है यहाँ पे दिखेगा, ये फॉन्ट का नाम है ल्यूसिका सेंस। फॉन्ट स्टाइल में दिखाता है, ये रेगुलर है, साइज 11 है, ठीक है। अब आप इस पे अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस। जैसे हमने मान के चलो इसको हमने चेंज कर दिया इस टाइप में, और इसको बोल्ड में कर दिया, साइज को 12 कर दिया, एंड देन ओके। अब ये पूरा हमारा चेंज हो गया, ठीक है। इसमें क्या है ना कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये पूरा का पूरा सी फाइल ही चेंज होगा फॉन्ट में। ऐसा नहीं आपने सेलेक्ट करके चाहा तो उसको चेंज कर दे कि हाँ ये हमारा इसमें हो जाए, ऐसा नहीं है। वो होगा तो टोटल होगा, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी कि आप जैसा आप चाह रहे हो उस हिसाब से इसमें आप सेलेक्ट कर लो, और फिर वो सारे के सारे जितने भी आपके हैं टेक्स्ट वो सब इसी में आपका अप्लाई हो जाएगा उसी फॉर्मेट में, ठीक है। हमने ये कर लिया, आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। अब हम चलते हेल्प में। ये में कुछ नहीं है, स्टेटस बार दिखाना होता है, स्टेटस बार दिख ही रहा है, स्टेटस बार दिखाना क्या है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में, विंडो 7 अल्टीमेट जिस पे ये इस समय काम हो रहा है इस लैपटॉप में, इसका दिखा रहा है विंडो है, ये वर्जन 6.1 है अबाउट दिस, ठीक है। तो ये आपका जनरल अबाउट नोटपैड के बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रहा है आपको वर्जन नोटपैड का। और यहाँ पे आएंगे तो आपको हेल्प देगा, इसमें आप नोटपैड के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस पे हेल्प ले सकते हैं। देखो मैं कोई भी एप्लीकेशन होता है ना, उस एप्लीकेशन को आप बिना किसी टीचर के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हेल्प मेन्यू बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। हेल्प मेन्यू से आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हो बिना किसी और के सहायता से, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करते हैं, व्हाट इज़ नोटपैड। तो नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, इट इज़ अ कॉमन मोस्टली यूज्ड टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल, ओके। टेक्स्ट फाइल इज अ फाइल टाइप, ओके, एंड टिपिकली आइडेंटिफाई बाई द डॉट txt, मतलब जो नोटपैड का होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट txt टेक्स्ट फाइल बनता है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। अभी आपको मालूम नहीं है कि व्हाट इज टेक्स्ट फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल पे आप क्लिक करो तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल कॉमनली इंडिकेट बाय इट्स फाइल नेम एक्सटेंशन, द फाइल नेम टाइप इंडिकेट व्हिच प्रोग्राम द फाइल वाज क्रिएटेड इन एंड कैन बी ओपन विद, ओके। ये हमारी फाइल टाइप होती है। हाउ डू आई ओपन नोटपैड, क्लिक टू ओपन नोटपैड, ओके। तो ये आपको एक तरह से पूरी तरह से असिस्ट करता है। हाउ डू आई चेंज द फॉन्ट स्टाइल इन साइज, जैसा मैंने भी आपको बताया, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्लिक द फॉर्मेट मेन्यू, फॉन्ट में जाओ, फॉन्ट स्टाइल साइज ये सारी चीज़ें लो, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आपको वहाँ पे दिखाएगा कैसा, ठीक है, नोटपैड खोल देगा। हाउ डू आई कट कॉपी पेस्ट एंड डिलीट वंस, डू वंस इन द फॉलोइंग। कहने का मतलब आप किसी भी एप्लीकेशन में हेल्प में जाके टोटल स्टडी कर सकते हैं रिगार्डिंग नोटपैड, ठीक है। हाउ डू आई क्रिएट एन हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर टेक्स्ट अपीयर ऑन टॉप ऑफ द बटन मार्जिन ऑफ द फ्रंट, क्लिक है तो ओपन हो, ओके। तो ये हेडर एंड फुटर कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपका दिया हुआ है, हेडर बॉक्स, फुटर बॉक्स, इंसर्ट डेट एंड टाइम, कंप्यूटर क्लॉक TD, तो इंसर्ट द पेज नंबर एंड पी लिख दो तो पेज नंबर आ जाता है, ठीक है। इंसर्ट एंड परसेंट ऐसा लगाना है तो एंड कर दो, अलाइन द हेडर एंड फुटर लेफ्ट राइट सेंटर एंड CL नाउन आर, ठीक। दिस इज द कह सकते हो ट्रैक्स है कि आप इन चीज़ों पर अगर अप्लाई करते हो तो आपका बेसिकली वो
इस फॉर्मेट में डिज़ाइन होगा। तो इन चीज़ों को आप सेल्फ स्टडी करो, इसको R&D करो, इस पर लाइव यूज करो। अब उसके बाद हाउ डू आई चेंज द वे ऑफ डॉक्यूमेंट लुक व्हेन इट्स प्रिंटेड, यहाँ पे आपको दिखाएंगे फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। पेज सेटअप में जाकर लैंडस्केप पोर्ट्रेट, जैसे पेज क्या होता है दो टाइप की होती है, एक हमारे पोर्ट्रेट होता है इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि अभी जो हमारा ये पेज है ऐसे विद्ध में इसकी ज़्यादा है, तो ये जो पेज ऐसे प्रिंटिंग होती है लैंडस्केप इसको बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको इस टाइप में कर दिया, ठीक है, जो A4 साइज का आपका होता है, तो ये आपका पोर्ट्रेट हो गया। ओके, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपको कैसे चाहिए, तो ये आप यहाँ से सारी चीज़ें इसमें सेटिंग कर सकते हैं। पेज सेटअप में मैंने आपको बताया है, तो आप इन चीज़ों के बारे में आपको इधर से इंसर्ट डेट एंड टाइम कैसे ले सकते हैं, कैसे आप किसी भी फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको यहीं से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका ट्यूटोरियल होता है जो कि विंडो एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि पेज सेटअप है, पेज सेटअप में देखो ये हमारा है और हमारा डिफ़ॉल्ट में A4 साइज, A3 साइज, लेटर लीगल। ओके, तो आप इसमें जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब ये देखो फूटर में आपको क्या मैंने बताया था ना, पेज एंड एंट्री एंड एफ हेडर में, अब आप इसमें हेडर में और भी कुछ देना चाहते हो तो आप इसमें दे सकते हो अपने हिसाब से, जैसा मैंने इसमें आपको दिखाया गया हेडर फूटर में। जैसे आप पेज नंबर दिखाना चाहते हो, अब यहाँ पे देखो क्या है, पेज नंबर है, आप एंड परसेंट या फिर कंप्यूटर क्लॉक दिखाना चाहते हो तो एंटी लिख दोगे तो कंप्यूटर क्लॉक आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर की सेटिंग में करके इसको अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो नोटपैड के प्रिंट करने का, तो आप यहाँ पे देखें आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। पेज आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट A4 होता है, A4 सेलेक्ट करेंगे, हेडर सेक्शन ये होता है ऊपर का और फुटर सेक्शन पेज के नीचे। ठीक है, ये आपका लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, ये मार्जिन होता है कि इतना मार्जिन छोड़ के आएगा। ठीक है, मिलीमीटर में कि आप पे पूरा ना कवर करके चारों तरफ से मार्जिन, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका है वो टेक्स्ट एरिया प्रिंटेबल है, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। तो आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा हमारा नोटपैड का सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड दैट दे कैन गेट अ हेल्प फ्रॉम दिस।